गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच इन आदर्श बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौधरी। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 की रीडिंग कर रहे थे, हाउस वी लिव इन, हम जिस घर में रहते हैं, हाउस के बारे में हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने देखा था कच्चा हाउस पक्का हाउस, जिसमें हमने जाना था कि कच्चे हाउस के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कच्चा हाउस कहाँ बनते हैं, पक्के हाउस के लिए कैसा मटेरियल यूज होता है, इन सब के बारे में हमने देखा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में देखा था, जिसमें हमने फ्लैट, बंगलो, मल्टी स्टोरेड हाउसेज, अपार्टमेंट के बारे में हमने रीडिंग की। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल हाउसेस, यानी कुछ विशेष प्रकार के घर कौन कौन से होते हैं, जैसे हाउस बोट, टेंट, कारवा, इग्लू। तो ये कुछ स्पेशल हाउसेस हैं जिनके बारे में हम रीड करेंगे। इसके बाद देखेंगे एन आइडियल हाउस, यानी एक आदर्श घर, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले इस चीज को दिमाग में रखा जाता है कि घर के अंदर बाहर की सनलाइट प्रॉपर तरीके से घर में आए। इसके लिए हम खूब सारे घर के अंदर विंडोज और डोर रखते हैं, क्योंकि सनलाइट है वो जर्म्स को किल करती है, यानी मारती है, क्योंकि धूप से जो जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर एयर, फ्रेश एयर घर के अंदर आनी चाहिए, तो विंडोज और डोर रखते हैं। हम देखेंगे कि हमारे घर में ड्रेन सिस्टम, यानी नालियों की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। किचन और बाथरूम का जो गंदा पानी निकलता है उसे हमें कवर्ड ड्रेन रखनी चाहिए, नालियां रखनी चाहिए, जिससे कि घर का सारा पानी दूर कहीं छोड़ा जा सके। अगर नालियां खुली रहेंगी तो मक्खी मच्छर ज्यादा पनपेंगे, और ऐसे में मॉस्किटोज अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मलेरिया और डेंगू नामक बीमारियां भी हमें हो सकती है। तो हमें अपने घर को बनाते समय ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम देखेंगे एक क्लीन हाउस, सभी को एक साफ सुथरा घर ही पसंद आता है, तो हमें अपने घर को सुंदर बनाने के लिए जहाँ से जो प्रॉपर सामान हमने लिया है उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए। ये नहीं टॉयज वगैरह से खेला और फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ घर में जिस चीज को हम रखते हैं वापस उसी जगह पे उसको रखना चाहिए। तो हमें अपना घर है वो नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपने घर में हमेशा झाड़ू पोछा अच्छे तरीके से करने चाहिए ताकि जम से वो ज्यादा ना फैले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेकोरेटिंग द हाउस, अपने घर को डेकोरेट करना जो सभी को पसंद है। जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल गया है तो हम सभी ने अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया है, साफ सफाई की है, डेकोरेट किया है। जब भी कोई फेस्टिवल्स या वेडिंग यानी शादी होती है या बर्थडे पार्टी होती है हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए हम बैलून्स का, लाइट्स का, रंगोली का या फेस्टिवल्स यानी जो बंदरवान होती है इन सब का हम यूज करते हैं। तो घर हमारा सुंदर लगे इसलिए हम घर को डेकोरेट करते हैं, चाहे कच्चा हाउस हो चाहे पक्का हाउस हो। हम जिस घर में रहते हैं उस घर को हमें सुंदर बना के रखना चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा चैप्टर, इसकी अब हम डिटेल से रीडिंग करेंगे तो सभी बच्चे अपने बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 11 की रीडिंग कर रहे थे हाउस वी लिव इन, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कच्चा हाउस, पक्का हाउस, और नेक्स्ट पेज पे हमने देखे थे टाइप्स ऑफ पक्के हाउस, कि पक्के हाउस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने देखा था बंगलो, फ्लैट और मल्टी स्टोरेड और अपार्टमेंट, इनके बारे में हमने रीड कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल हाउसेस, यानी कुछ विशेष घर कैसे होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है स्पेशल हाउसेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए स्टिल्ट हाउसेस, यानी लट्ठों से, यानी लकड़ी के मोटे गट्ठों से बने हुए घर। स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन पोल और स्टील्स इन प्लेसेस लाइक आसाम वेयर इट रेन्स ए लॉट। देखिए, स्टिल्ट जो हाउस होते हैं वो किस पे बने हुए होते हैं, स्टिल्ट पे। स्टिल्ट यानी लट्ठों के पोल होते हैं, पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर बने हुए होते हैं। और वो कहाँ बने हुए होते हैं, आसाम जो है वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे घर हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेन यानी बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ड्राइंग है ये है स्टिल्ट हाउस की,
इस पे ये देखिए, ये पिलर्स जो दिखाए हुए हैं ये मोटे लट्ठे होते हैं, यानी ये स्टिल्ट हाउसेस होते हैं, जो नीचे पानी जहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो पानी के ऊपर ये घर सेफ रहते हैं, इसलिए ये स्टिल्ट हाउसेस कहलाते हैं। तो आसाम में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ऐसे हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। द पोल और स्टिल्ट कीप्स द हाउसेस हाई अबव द ग्राउंड। तो ये जो पोल है, पिलर्स जो लगाए हुए होते हैं, इनसे जो ग्राउंड से यानी जमीन से ये हाई यानी ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। दिस प्रोटेक्ट द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम फ्लूड एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए, ये जो ऊंचाई पर बने हुए हाउस होते हैं ये फ्लूड यानी बाढ़ से बचाने के लिए लोगों को ऐसे घर बनाए हुए होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी ये इनको सेफ रखते हैं। फ्लूड मीन्स होता है बाढ़, यानी जहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है वहीं इलाकों में ऐसे हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं जो इनको सेफ बनाए रखते हैं। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्लेंटिंग सो रेन वाटर स्लाइड्स डाउन ईजिली। यहाँ जो हाउस बने हुए होते हैं इनकी जो रूफ है यानी जो छत है वो कैसी होती है, स्लेंटिंग होती है यानी तिरछी बनी हुई होती है। तो रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, वो क्या हो जाता है, ईजिली नीचे आ जाता है, यानी वो फिसल कर नीचे यहाँ से नीचे आ जाता है। इसलिए यहाँ इन हाउसेस की जो रूफ है वो भी कैसी होती है, स्लेंटिंग होती है यानी तिरछी बनाई जाती है। तो ये तो था स्टिल्ट हाउस यानी लट्ठों के ऊपर बना हुआ घर। नेक्स्ट है टेंट। टेंट आर मूवेबल शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय। मूवेबल यानी जो हिल सकता है, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जिसको हम लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे टेंट की ड्राइंग दी हुई है। यहाँ ये जो टेंट होता है ये ऐसे कहीं पे भी इसको उठा के हम लेके जा सकते हैं और वहीं पे इसको बनाए रख सकते हैं। दे आर मेड ऑफ कैनवास क्लोथ और लेदर। ये जो हाउस है यानी जो टेंट है वो किसका बना हुआ होता है, कैनवास कपड़े का बना हुआ होता है और लेदर का भी बनता है। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फ्लूडेड इजीली। ये जो हाउस है वो इन आवाज के नीचे ना है, तो टेंट को कहीं पे भी इसको फिक्स किया जाता है और फोल्डेड यानी इसको इजीली फोल्ड भी किया जा सकता है, यानी इसको हम दूसरी जगह पे अगर ले जाना चाहें तो हम इसको फोल्ड करके लेके जा सकते हैं। दे आर यूज्ड बाई पीपल इन माउंटेन एंड डेजर्ट एंड वाइल्ड कैंपिंग। तो देखिए, ये जो हाउस है, टेंट है, वो कहाँ यूज़ किया जाता है, जो लोग माउंटेन यानी पहाड़ों पे रहते हैं, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहते हैं, और जो कैंपिंग के लिए जाते हैं यानी घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो वो टेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इजी होते हैं, इनको कहीं पे भी लगा के रह सकते हैं और इजीली इनको फोल्ड किया जा सकता है। तो ये तो था टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कारवा। कारवा इज़ ए हाउस ऑन व्हील्स। कारवा जो हाउस है वो किस पे बना हुआ होता है, व्हील्स यानी पहियों पर बनाया हुआ होता है, जैसे इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको लेके जा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय गैपिस एंड सर्कस परफॉर्म। तो ये देखिए किनके द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी जो सर्कस दिखाते हैं और जो कहीं पे जाते हैं खोज वगैरह करने के लिए, तो वो अपना सारा सामान है वो इस घर के अंदर रखते हैं और इसको कहीं पे भी इजीली लेके जाया जा सकता है। तो ये गाड़ियों के ऊपर बना हुआ घर होता है, यानी व्हील्स के ऊपर बना हुआ घर होता है, इसको कहते हैं कारवा। नेक्स्ट है इग्लू। इग्लू आर डोम शेप्ड हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो इग्लू जो हाउस है वो डोम शेप्ड यानी इस प्रकार का ये हाउस बना हुआ होता है, और ये किसका बना हुआ होता है, आइस ब्लॉक यानी जो बर्फ की ईंटें होती हैं उनका बना हुआ होता है। दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। ये जो हाउस है यानी जो इग्लू है वो एक्सट्रीमली यानी अत्यंत कोल्ड यानी ठंडे रीजन यानी क्षेत्र, बहुत ही ठंडे क्षेत्र में ही बनाया जा सकता है, लाइक ग्रीनलैंड यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में इग्लू के हाउस ही बने हुए होते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ वहाँ पे ज़्यादा गिरती है। एस्किमो आर द पीपल हु लिव इन इग्लू। एस्किमो एक प्रजाति का नेम है जो
इस घरों में रहते हैं। तो जो ग्रीनलैंड के जो लोग हैं वो इन्हीं इग्लू हाउस में रहते हैं, जो आइस बर्फ की ईंटों का बना हुआ घर होता है, और एस्किमो प्रजाति इनमें रहती है। तो ये हमारा टॉपिक था इग्लू। नेक्स्ट टॉपिक है हाउस बोट। हाउस बोट आर मूविंग हाउसेस मेड ऑन बोट। हाउस बोट जो हाउस है वो किसके ऊपर बनाया, बोट पे बना हुआ घर होता है, और ये बोट के ऊपर ही तैरता रहता है। दे आर फाउंड इन लेक। ये जो हाउस हैं जो ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेक यानी जहाँ ज़्यादा झील होती है, लेक मीन्स झील, तो जहाँ ज़्यादा झील होती है, जहाँ पानी होता है, वहीं ये मूविंग हाउसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, जो तैरते हुए रहते हैं। हाउसेस बोट आर ए कॉमन साइट इन द डल लेक इन श्रीनगर एंड द बैक वाटर्स ऑफ केरला। तो जो हाउस बोट हैं वो कॉमन यानी ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, जो श्रीनगर में डल लेक यानी जो डल झील है वहाँ हमें ऐसे हाउस बोट देखने को मिलते हैं, और जो केरला में बैक वाटर है वहाँ भी ऐसे हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। दे आर ऑफ ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये जो हाउस होते हैं, हाउस बोट जो होते हैं, वो टूरिस्ट यानी पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं उनको आकर्षित करते हैं, यानी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जो हैं वो इनको देखने के लिए भी आते हैं। तो ये तो था हाउस बोट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एन आइडियल हाउस, यानी एक आदर्श घर। एन आइडियल हाउसेज शुड हैव द फॉलोइंग। जो आइडियल हाउस है, आदर्श एक जो घर होता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, थिंग्स शुड बी केप्ड इन द राइट पैलेस आफ्टर यूज। हमें अपने घर में, हमने जहाँ से जो भी चीज़ उठाई है उसको वहीं पर, उसको राइट पैलेस यानी सही जगह पर हमें रखनी चाहिए, या एक तरीके से ये कहें कि हमारा घर है वो बिल्कुल ही सुव्यवस्थित प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड स्लोप टूवर्ड्स द ड्रेन, दिस अलाउ वाटर टू फ्लो आउट इजीली। तो देखिए, जो किचन और बाथरूम का जो पानी है वो हमें ड्रेन यानी नालियों की तरफ पानी उनका छोड़ना चाहिए। दिस अलाउ वाटर टू फ्लो आउट इजीली। हमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो हमारे बाथरूम और जो किचन का पानी होता है वो इजीली वहाँ से बह के और नालियों के अंदर चला जाए, यानी घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 78 की रीडिंग करते हैं। देयर शुड बी ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। हमें उचित प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियों की व्यवस्था रखनी चाहिए, जो डर्टी वाटर, जो हमारे घर से गंदा पानी निकलता है, वो हमारे घर से जिससे दूर उसको छोड़ा जा सके। मॉस्किटो ब्रीड इन अनकवर्ड ड्रेन एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू। मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर, ब्रीड यानी प्रजनन। अगर अनकवर्ड यानी बिना ढकी हुई अगर नालियाँ होंगी तो उससे क्या होगा, जो मच्छर हैं वो अपने अंडे देंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, मॉस्किटो हो जाएंगे, मच्छर हो जाएंगे, और अगर मच्छर ज़्यादा होंगे तो उनसे क्या होगा, मलेरिया और डेंगू नामक जो बीमारियाँ हैं वो हमें हो सकती हैं। इसलिए हमें कवर्ड की हुई नालियाँ रखनी चाहिए और अपने घर का जो पानी गंदा निकलता है उसको दूर कहीं छोड़ना चाहिए। सो किचन एंड बाथरूम ड्रेन्स मस्ट बी कवर्ड। इसलिए हमें किचन अपने और बाथरूम की जो ड्रेन यानी जो नालियाँ होती है उनको कवर्ड करके रखना चाहिए, जिससे मच्छर है वो ज़्यादा नहीं पनप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डोर एंड विंडोज शुड हैव ए वायर नीटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। डोर हमारे घर के जो खिड़कियाँ और जो दरवाजे होते हैं उनको हमें वायर नीटिंग यानी जो जालियाँ होती हैं वो लगवानी चाहिए, जिससे जो बाहर के जो मच्छर होते हैं वो अंदर नहीं आ पाए।
ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर घर में तो होती ही है, जो खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं उन पे लोहे की जालियाँ सी बनी हुई होती हैं, तो छोटे मच्छर वो घर के अंदर नहीं घुस पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सनलाइट किल्स द जर्म्स। सनलाइट यानी जो सूरज की रोशनी निकलती है वो घर के अंदर प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट है वो जर्म्स को ख़त्म कर देती है। सो देयर शुड बी मैनी विंडोज एंड डोर्स इन ए हाउस। इसलिए हम अपने घर में बहुत सारी खिड़की और दरवाजे रखते हैं, क्योंकि खिड़कियों से जो बाहर की सनलाइट आएगी जिससे जर्म्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो था एक आइडियल हाउस जिसमें हमें अपने घर को कैसे क्लीन रखना है। नेक्स्ट देखिए, थ्रो प्लास्टिक बोटल ग्लासवेयर एंड टिन इन द ब्लू डस्टबिन। तो ब्लू डस्टबिन में हमें क्या क्या डालना है, प्लास्टिक बोटल्स हैं, ग्लास वगैरह हैं, टिन्स हैं, जो डिब्बे वगैरह हैं उन सबको हमें इसके अंदर डालना है। ये स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ ड्राइंग रॉन्ग दी हुई है, यहाँ ब्लू डस्टबिन, तो यहाँ ब्लू डस्टबिन इधर है, ठीक है, तो आप एरो लगा के इस साइड कर लीजिए। और यहाँ देखिए, थ्रो पेपर वेजिटेबल पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड इन द ग्रीन डस्टबिन। और जो पेपर्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल पील्स यानी जो सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं और बचा हुआ जो खाना होता है, वो हमें किस में डालना चाहिए, जो ग्रीन डस्टबिन होता है उसके अंदर हमें इसको डालना चाहिए। तो यहाँ इसको आप एरो लगा के राइट कर लेना कि प्लास्टिक बोतल और ग्लासवेयर इधर ब्लू डस्टबिन में, और जो वेजिटेबल्स और बचा हुआ खाना होता है वो इधर ग्रीन डस्टबिन में डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, ए क्लीन हाउस, एक साफ सुथरा और सुंदर घर। गार्बेज शुड बी थ्रो इन डस्टबिन एंड द शुड बी कीप्ड कवर्ड। हमें जो गार्बेज यानी जो कचरा होता है उसको कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, और उसको कवर करके रखना चाहिए जिससे उस पर मक्खी मच्छर ना बैठे और घर को गंदा ना करें। हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन इन द स्ट्रीट। हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन इन द स्ट्रीट। हाउस होल्ड यानी जो घरेलू, हमारे घर से जो कचरा निकलता है, जो गार्बेज होता है, उसको हमें कहाँ डालना चाहिए, स्ट्रीट यानी जो गलियाँ होती हैं वहाँ जो डस्टबिन रखे हुए होते हैं उसके अंदर हमें डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द बाथरूम एंड किचन फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। हमें जो अपना जो बाथरूम और जो किचन होता है उसमें स्पेशली साफ सफाई रखनी चाहिए, उसका जो फर्श होता है उसको रोज हमें पोछा लगाना है और उसको सुखा के नीट एंड क्लीन रखना है ताकि उसमें जम्स ना फैले। इन विच हाउस यू वुड लाइक टू लिव। यहाँ हमें दो हाउस दिए हुए हैं, इनमें से आपको कौन सा घर है वो पसंद है ये हमें बताना है। एक तो यहाँ दिया हुआ है डर्टी एंड अनटाइडी हाउस। डर्टी यानी गंदा है और अनटाइडी यानी अनचाहे कहीं पे भी घर का सारा सामान है वो फैला हुआ है। एक है नीट एंड क्लीन हाउस। तो इन दोनों हाउसेज में देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि सभी को यही हाउस अच्छा लगेगा, नीट एंड क्लीन, जहाँ सारी घर की जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित तौर पर रखी हुई हैं और बिल्कुल साफ सुंदरा सुंदर घर लग रहा है। तो हमें भी अपने घर को ऐसा ही रखना है, ये नहीं कि अगर कोई गेस्ट आए तो हमारे घर का सामान इस तरीके से फैला हुआ मिले। तो बच्चों, हमें अपने घर को डेकोरेट करके और अच्छे से रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेकोरेटिंग द हाउस, अपने घर को सजाना, डेकोरेट करना। जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल गया है तो हमने अपने घर को अच्छे से डेकोरेट भी किया है और उसको साफ भी किया है, तो वैसे ही हमें पूरे ईयर अपने घर को रखना है। नेक्स्ट देखिए, वी डेकोरेट अवर होम टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। हम अपने घर को डेकोरेट क्यों करते हैं, ताकि हमारा घर कैसा दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे। इन अवर कंट्री विलेज डेकोरेट द मड वॉल्स ऑफ देयर कच्चा हाउस विद ब्यूटीफुल डिजाइन। देखिए, इन अवर कंट्री यानी हमारे देश में जो विलेज यानी जो गांव है वहाँ जो मड वॉल्स यानी जो मिट्टी की दीवारें होती हैं लोग उनको भी डेकोरेट करते हैं। तो जो कच्चा हाउस होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुंदर सुंदर डिजाइनों से घर को सजाया जाता है। तो हमें चाहे कच्चा हाउस है चाहे पक्का हाउस है, जिस घर में हम रहते हैं उसको हमें अपने अकॉर्डिंग उसको डेकोरेट करके रखना चाहिए। वी डेकोरेट आवर हाउस
ऑन सेवरल ओकेजन लाइक बर्थडे पार्टीज एंड फेस्टिवल्स. हम हमारे घर को स्पेशली कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी अवसर आता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है या शादी विवाह होते हैं या फेस्टिवल यानी त्यौहार आते हैं, तब हम अपने घर को खूब अच्छे से डेकोरेट करते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 79 की रीडिंग करते हैं. पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स टू डेकोरेट देयर हाउसेज लाइक रंगोली, फ्लावर्स, लीव्स, फेस्टूनस, बैलून्स एंड लाइट. तो देखिए लोग हैं वो अपने घर को विभिन्न तरीकों से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं. जैसे कुछ लोग रंगोली बनाकर, कुछ फ्लावर से, कुछ पत्तियों से और कुछ फेस्टून यानी जो तोरण होते हैं यानी जो बंधनवार होती है घर के आगे जिसको गेट के ऊपर टांगा जाता है, कुछ बैलून्स यानी गुब्बारों से और कुछ लाइटिंग से भी अपने घर को डेकोरेट करते हैं. नेम टू ओकेजन व्हेन यू डेकोरेट योर हाउस. ये आप खुद से करेंगे. यहाँ हमें दो ओकेजन के नेम बताने हैं जब हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. तो यहाँ ये आप खुद से करेंगे. 11 की वर्ड मीनिंग है जो आप आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करनी है. तो डेट और डे और चैप्टर, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे. आइडियल मीन्स आदर्श, डेकोरेटिंग सजाना, कंफर्टेबल आरामदायक, अकॉर्डिंग अनुसार, पर्टिकुलर विशेष, लोकली स्थानीय, बैम्बू बांस, स्टॉर्म्स आंधी, स्प्रिड फैलाव, स्टिल्स लट्ठा, फ्लूड बाढ़, स्लैंटिंग तिरछी, एक्सट्रीमली अत्यंत, टूरिस्ट अट्रैक्शन पर्यटकों के आकर्षण, ड्रेन नाली, फेस्टूनस तोरण या जिसको बंधनवार भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करनी है. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे.